हमारे यहाँ हो रही है दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके की ब्रीडिंग, आपके यहाँ कैसे होगी जानने के लिए देखें ये वीडियो। हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित गुप्ता भोपाल से और वेलकम करता हूँ आपका आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल भोपाली बर्ड्स लवर्स में। दोस्तों यह दोस्तों हमारे यहाँ चल रही है बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की ब्रीडिंग, जो कि आपने हमारे पिछले प्रोग्रेस वीडियो में देख ली होगी। और अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप उन्हें क्या खिलाइएगा या फिर किस तरह का सॉफ्ट फूड प्रयोग करिएगा, जिससे कि आपके यहाँ पर भी इतने सारे ये बच्चे ही बच्चे बैठे हुए हैं, इनके माँ बाप जो हैं बाप बस बाहर हैं, माँ पूरी अंदर है दोस्तों, सभी फीमेल्स मटकियों के अंदर हैं। तो इस तरह की क्वान्टिटी में आपके यहाँ पर भी बच्चे निकलें, बहुत अच्छी हेल्दी क्वालिटी के बच्चे हों। और इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पर ये पूरी मस्ती कर रहे हैं, ये पूरे बच्चे जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मटकी के पीछे दो छुपे हुए हैं छुपे रुस्तम, ये सभी बच्चे हैं दोस्तों। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर, क्या ज़बरदस्त क्वालिटी का ये बच्चा यहाँ पर निकला है। ये मेरा सबसे फेवरेट कलर है दोस्तों, क्योंकि इस कलर के अंदर येलोइश टच जो आया है वो बड़ा ही खूबसूरत करता है इस बर्ड को। तो इस तरह के बच्चे आपके यहाँ भी निकलेंगे दोस्तों। क्या खिलाना है वो मैं आपको बताता हूँ, 7 दिन का पूरा शेड्यूल बताऊंगा। वैसे मैं कई बार पहले बता चुका हूँ अपने चैनल पर हमारे जो नए दोस्त भाई जुड़ते हैं वो पुराने वीडियो जाकर देखते ही नहीं है। तो मैं कुछ ना कुछ नया ऐड करके आपको अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपके यहाँ पर भी अच्छी ब्रीडिंग हो। तो चलिए बिना देरी करें फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पर उसके पहले दोस्तों आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, क्योंकि पुराने दोस्त जुड़े हैं, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो में मेहनत अगर मेरी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है तो डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो चीज़ जेन्युइन हो दोस्तों वो करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो फटाफट से मैं आपको संडे से लेकर दोस्तों सैटरडे तक का शेड्यूल बता देता हूँ, मतलब पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक आपको क्या देना है। और बीच में गैप भी करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, समझ में नहीं आएगा नहीं तो, है ना। फर्स्ट डे दोस्तों संडे मान सकते हैं आप या मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डे आपको इनको दोस्तों सुबह सुबह प्रोवाइड करना है। हाँ, सबसे पहले सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त भाइयों को सॉफ्ट फूड देने का नॉलेज नहीं होता है। किसी भी टाइम सॉफ्ट फूड देंगे आपके बर्ड जो है बीमार हो जाएंगे, ब्रीडिंग नहीं करेंगे। अंडे बच्चे रखे होंगे अगर उनके इस तरह से, तो अंडे बच्चों को छोड़ के दोस्तों वो इधर उधर बीमार होकर बाहर बैठे रहेंगे और फिर इस तरह से जो अच्छी ब्रीडिंग चल रही है वो नहीं होगी। तो शेड्यूल क्या रखना है आपको, अपने बर्ड्स को सुबह 2 से 3 घंटे के लिए दाना निकाल देना है, जैसा कि यहाँ पर अभी दाना नहीं रखा है। सुबह सुबह 11 से 12 बजे के बीच में आपको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना है। हर सॉफ्ट फूड का यही नियम है, इसी तरह से प्रोवाइड करना है। जैसे ही वो सॉफ्ट फूड खा लें 10 से 15-20 मिनट के बाद, तो तुरंत से उनको दाना प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ दोस्तों। हो सकता है आपको पहले से पता हो तो आप कमेंट करके यहाँ पर ये मत बताइएगा कि हमें पहले पता है या नहीं पता है, जिन्हें नहीं पता ये उनके लिए बात है, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको जो है इन्हें प्रोवाइड करना है। पहला दिन आपको दोस्तों इनको गला हुआ गेहूँ प्रोवाइड करना है, रात में आपको गेहूँ गलाना है। सिंपल चीज़ें बताऊँगा, टफ कुछ भी नहीं बताऊँगा, एक ऐसी चीज़ बताऊँगा लास्ट में रामबाण, जो खिलाने से मेरे यहाँ पर ब्रीडिंग चल रही है बहुत अच्छी और बहुत सस्ता है दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ सस्ता है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया, गला हुआ आपको पहले दिन गेहूँ प्रोवाइड करना है। दूसरे दिन आप इनको दोस्तों कोई भी ग्रीन फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, वो पालक मेथी धनिया इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या फिर और भी ग्रीन फूड जो ये खाते हैं वो मेरे चैनल पर पहले से डाला है, वो आप देख सकते हैं। तो दूसरे दिन ग्रीन फूड, तीसरे दिन का दोस्तों आप इन्हें गैप कर सकते हैं, मतलब एक दिन आप गैप रखना बहुत ज़रूरी भी है, तो वो रखिएगा। इससे क्या कि इनको मोशन भी नहीं लगेंगे दोस्तों, आपके बर्ड जो है बहुत अच्छी ब्रीडिंग भी इससे करेंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा दिन। अब आ जाता है दोस्तों चौथा दिन, और चौथे दिन में दोस्तों आप इन्हें एग फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि जो मुर्गी का अंडा होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ दोस्तों आपको, ब्रेड में जो है उबला हुआ मुर्गी का एक अंडा, 2 से 3 ब्रेड के अंदर मैं इतनी क्वांटिटी के अंदर 2 एग देता हूँ यहाँ पर, और 3 से 4 ब्रेड मिक्स करके यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। प्रोवाइड करने का समय वही रहेगा हर सॉफ्ट फूड का जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चौथा दिन भी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा पाँचवा दिन। पाँचवें दिन दोस्तों आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था रामबाण होगा, एक ये चीज़ और एक इसके बाद वाली चीज़ भी। पाँचवें दिन में आपको प्रोवाइड करना है दोस्तों इनको गेहूं का दलिया। आप यहाँ कुछ भी और कुछ बोल सकते हैं, मेरे यहाँ पर गेहूं का दलिया बोलते हैं। गेहूं का दलिया कैसे होता है, गेहूं को बारीक करके पीसा जाता है और बारीक बारीक टुकड़े जब गेहूं के जो बनाए जाते हैं, हम लोग बीमारी में जिसे खाया जाता है उसे बोलते हैं गेहूं का दलिया। मैं यहाँ पर फोटो शो कर दे रहा हूँ, जिससे कि जो बाहर से हमारे भाई हैं या जो इस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे होंगे दलिया कैसे बोलते हैं, तो वो इससे पहचान जाएंगे। तो ये प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड कितना करना है, कोई भी सॉफ्ट फूड जितने में ये 15 से 20 मिनट में यहाँ पर खा के उसको फिनिश कर लें, ठीक है। पांचवा दिन हो जाएगा दोस्तों। छठवां दिन जो आता है, छठवें दिन के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया सबसे ज़बरदस्त चीज़ और सबसे सस्ती चीज़ यह है दोस्तों बाजरा। फोटो आपको दिख रही होगी, इसको आपको प्रोवाइड कैसे करना है, हाथ में कम से कम आपको 17 से 18 घंटे पहले या 15 घंटे पहले इसको गला देना है एक दिन पहले, और जिस दिन आप इसे प्रोवाइड करेंगे वो दिन दोस्तों आपका इसको प्रोवाइड करने का रहेगा। इस तरह से आपका दोस्तों पूरा शेड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा 7 दिन का। ये आप प्रोवाइड करिए, आपके यहाँ ज़बरदस्त ब्रीडिंग होगी। बस सॉफ्ट फूड जब भी दें उसके 2 से
तीन घंटे पहले दाना आप निकाल लीजिएगा। आपके बर्ड्स अगर सॉफ्ट फूड नहीं खा रहे हैं तो खाने लगेंगे, और उसके साथ साथ बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की यहाँ पर इस तरह की आपके यहाँ पर भी ब्रीडिंग होगी, और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के आपके यहाँ पर भी बच्चे निकलेंगे, और इस तरह से आपकी कॉलोनी भी भर जाएगी दोस्तों। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिलती होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, उसके लिए दोस्तों पुराने बहुत सारे वीडियो हैं, जाकर उनको देखिएगा। अप्रॉक्स 300-400 वीडियो हमारे चैनल पर डले हैं जो कि बर्ड्स से ही रिलेटेड है, और बर्ड्स की बहुत सारी जानकारी से भरे हुए वीडियो हैं। मेरे 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस के पूरे वीडियोस में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। उसके अलावा अगर आप कमेंट करते हैं कि कोई नया आपको टॉपिक दिमाग में आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाने का विचार करेंगे दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।